Good morning, dear students. Today, I want to tell you something more about the backup classes. First of all, let me tell you what is the meaning of backup class. See, actually, in the regular classroom coaching, generally it happens. देखिए होता क्या है generally कि जैसे कि regular classroom चल रही हैं, classes चल रही हैं, ये सभी student के साथ हो सकता है कि कुछ class miss हो जाएं. मे बी डिफरेंट रीजन्स. सबसे कॉमन रीजन तो ये होता है स्टूडेंट के साथ कि किसी को फीवर हो गया और ड्यू टू सम इल हेल्थ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज टू मिस क्लासेस फॉर वन डे टू डे समटाइम 10 days 15 days एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द प्रोलॉन्ग इलनेस समटाइम फॉर मंथ. तो जब ये क्लासेस अगर छूट जाती है किसी भी वजह से, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, तो वो चीज़ जैसे स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी ये क्लास मिस हो गई तो थोड़ा आगे समझने में प्रॉब्लम आ रही है. ऑब्वियसली इफ द कंटिन्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट ब्रेक्स इवन फॉर 5 मिनट्स, तो ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी ब्रेक होती है 5 मिनट के लिए भी, उसमें भी प्रॉब्लम आती है आगे समझने में. और अगर क्लास 2-3 दिन या 1 दिन के लिए मिस हो जाए तो वो भी डिफिकल्टी आती है. ये बात फिर हमें भी फील होती है कि स्टूडेंट के लिए मिस हो चुका है किसी सर्टेन रीजन से, और अगर अब आगे समझ आने में दिक्कत आ रही है उस सब्जेक्ट को, तो इसके लिए क्या किया जाए. द मोस्ट कॉमन प्रोविजंस जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड दैट, उसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि भाई ठीक है, ये जो दूसरा बैच है, जो बैच उससे पीछे चल रहा है, आप इसमें क्लास अटेंड कर लेना. बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, इसमें कई रिस्ट्रिक्शन कई लिमिटेशन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर क्लास आज छूटती है इस टॉपिक की, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉमन सा सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, कैलकुलस टॉपिक की एक क्लास छूटती है और वो कैलकुलस टॉपिक होना है 1.5 महीने बाद दूसरे बैच में, तो स्टूडेंट अब कैसे कंटिन्यू करेगा, वो क्लास तो बहुत बाद में मिलेगी. एंड अदर प्रॉब्लम विच जनरली हैपन्स इन द कोर सब्जेक्ट, देखिए जैसे कि बैचेज अगर फुल होते हैं तो the possibility of the vacant seat is very less. अब अगर किसी पर्टिकुलर बैच में वैकेंट सीट नहीं है तो दूसरे बैच के स्टूडेंट को उसमें बैकअप का प्रोविजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे कहा जाए कि सीट नहीं है तो कैसे आप अटेंड करेंगे. सो देर आर मैनी मैनी रिस्ट्रिक्शंस, और ये प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा आती है उसके साथ जो लास्ट बैच होता है, जो बैच सबसे आखिरी में स्टार्ट होता है. अगर उसके किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हो जाती है, हाउ कैन ही और शी बी कंपनसेटेड फॉर दीज क्लासेस. तो ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं सारी, इसको लेकर एक जो हमने सॉल्यूशन निकाला था फ्रॉम ईयर 2012, इंजीनियर जोन इज प्रोवाइडिंग बैकअप क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एज बैकअप. आई कैन से प्राउडली दैट इंजीनियर जोन इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन दिल्ली विच प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर बैकअप क्लासेस. तो इसके लिए जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं रेगुलर सेशन में, ये क्लासेस रिकॉर्डेड बेस पर इंजीनियर जोन के पास रहती हैं एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियर जोन. अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन देता है कि सर ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, कोई कुछ मुझे ज़रूरी काम है, या कोई मेडिकल लगाता है कि सर प्रॉब्लम आ गई थी, ऑब्वियसली इस चीज़ को इस बात को मैं कहना चाहता हूँ ड्यू टू सर्टेन जेन्युइन रीजंस की वजह से, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है आप कंप्यूटर पर बैठकर यहाँ इंस्टीट्यूट में ये वाली क्लासेस कर लीजिए, ये जो क्लास है बैकअप वाली क्लास आप कर लीजिए इसमें जो भी क्लास छूटी थी. एंड दी ब्यूटी ऑफ दिस बैकअप क्लासेस इज दैट द मिस्ड क्लास कैन बी अटेंडेड ऑन दी सुटेबल डे. जैसे कि अगर आपकी क्लास मॉर्निंग बैच में मिस हो गई है तो हो सकता है कि आप इवनिंग में भी क्लास अटेंड कर सकते हो, जिससे कि कल से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाए. अदरवाइज अगर ये होता है कि डेली की क्लास 3-3 घंटे की मिस हो चुकी, 6 घंटे की मिस हो गई, दिस कैन बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे कि आगे की क्लास आपके समझ में आती जाए. तो ये बैकअप क्लास से हमने जैसे कि स्टूडेंट का फीडबैक है, इसमें बहुत इंकरेजिंग फीडबैक मिला एंड स्टूडेंट्स आर थैंकिंग अस कि हमने बैकअप क्लास प्रोवाइड की है इसके लिए. सिमिलरली ये बैकअप क्लास और किस रीजन से भी हो सकती हैं,
देख एक्चुअली कुछ चीज ये होती है कई बार कि कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ठीक है मैंने ये क्लास कर ली थी लेकिन मैं इस क्लास को दोबारा भी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन। किसी वजह से कुछ कन्फ्यूजन रह गए, ऑल्दो देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। इस तरीके के स्टूडेंट हालांकि होते बहुत कम हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट है चाहता है कि सर मुझे मिल सकता है क्या, तो ऑब्वियसली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स उसको भी एक शेड्यूल दे दिया जाता है कि आप ठीक है ये वाली क्लास दोबारा कर सकते हैं, ये वाली क्लास आप कर लीजिए और जो भी आपके डाउट हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे सो दैट यू कैन कंटिन्यू फर्दर। तो इस फीचर के बारे में जैसे कि हमारे स्टूडेंट जो जानते हैं प्रीवियस सेशंस के सभी और कि इससे कितना फ़ायदा उनको हुआ है, इसके फीडबैक अभी तक ऑब्वियसली पॉजिटिव हैं। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर इस पर्टिकुलर फीचर में हमारे स्टूडेंट चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, देखो ऑब्वियसली इंजीनियर्स ऑन मैनेजमेंट ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फीडबैक एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडबैक। इफ देयर इज पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम यू इट इंक्रीजेस आवर आउटपुट, हम आपको बेटर आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो। Similarly, anyhow, if there is negative feedback from your side, still be welcome. Because with the use of negative feedback, there is improvement in the stability of the system. तो वो हमें stabilize होने में मदद करता है। Positive feedback है तो हमें और आपको और अच्छा output देने में मदद करेगा। That's why your feedback are valuable. Simultaneously, apart from this, I want to say our students that we have done our best. हमने अपनी कोशिश की है बेस्ट प्रोवाइड करने में, वेदर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिटी टीचिंग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी मटेरियल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेस्ट सीरीज और फ्रॉम अदर फैसिलिटीज एट द इंस्टीट्यूट लाइक ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। ठीक है फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है किसी ना किसी वजह से, ठीक है ना। लास्ट ईयर थोड़ा सा जैसे कि हमारे प्रेमाइस में रिपेयर वर्क चल रहा था, कंस्ट्रक्शन थी तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस उसकी वजह से आया भी था, लेकिन हमारा प्राइम कंसर्न ये था कि स्टूडेंट की क्लासेस जो है वो हैम्पर ना हो। इसके लिए अगर आप फिर भी कुछ फीडबैक देना चाहते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट कि जो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में आएंगे उनके लिए कि ये चीज़ ऐसे हो जाए ये ऐसे हो जाए, योर सजेशन ऑल वेलकम। ये आप मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप आपके हैं, यू कैन गिव योर वैल्यूएबल टाइम सो दैट वी कैन इम्प्रूव, तो आपके सजेशन भी हमें इसमें चाहिए होंगे कि जिससे कि आगे हम और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि देखिए कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं कुछ भी, ऑब्वियसली वी ट्राइड आवर बेस्ट, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ देर इज समथिंग लैक, कुछ अगर उसमें कमी रह गई है, सो आई वॉन्ट योर सजेशंस। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।